सबको तरना कुड़ो के साथ वापिस और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आज हम इंडियन बैक सेवेंटी के अंदर बनाने वाले ये खतरनाक सपना स्कूल वो भी यार के टूल की मदद से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैक सेवेंटी के अंदर ना स्कूल ही नहीं है तो मेरे का भी पढ़ाई कहाँ से होगी यार सबकी। तो मैंने कहा भाई मैं करने वाला हूँ अभी इंडियन बैक सेवेंटी के अंदर स्कूल बनाने वाला हूँ, मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो गाइस यार, मुझे ना स्कूल बनाने के लिए यार ये जगह बेस्ट लग रही है। तो चलो गाइस मैं ना यही पे बनाने वाला हूँ यार अपना एक खुद का क्रिएट करा गया आरजे टूल के मदद से स्कूल, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के चार दीवारी बनाता हूँ, बोले तो यार चारों तरफ जाल को स्पॉन करके उनको सेट करके भाई पूरा जाल बना देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी इनको सेट करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है यार। तो चलो फटाक से मैं इनको सेट भी करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अपना खुद का एक स्कूल बनाने वाले हैं यार, काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो यार कितनी जल्दी मैंने इसको बना लिया, बट उतनी जल्दी बनाया नहीं यार, ये काट क्या गिर पड़ा मैं। तो चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे को ना यहाँ पर एक स्कूल बनाना होगा। स्कूल बनाने के लिए मैं ना यहाँ पर अभी वर्ल्ड 2 से अपना एक स्कूल क्रिएट करने वाला हूँ, वो भी मतलब यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का होने वाला है। यहाँ पर हम एक बॉल मंगाएंगे, उससे एक एरिया बनाएंगे, उसके ऊपर एक उससे के ऊपर मतलब डबल कर देंगे, वो वॉल नहीं होती है वो डबल कर देंगे, मतलब एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ फिर भी करूंगा। और उसके बाद ऊपर लगा दूंगा मैं कंटेनर और वो बन जाएगी छत। तो चलो फटाक से मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। करा लिए अपने एक स्कूल के एरिया के लिए और गाइस इतना बड़ा मैं स्कूल बनाने वाला हूँ एंड अभी इसके ऊपर में मैं वॉल्स को स्पॉन कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको चारों तरफ लगाने वाला हूँ एंड उसके ऊपर कंटेनर एंड उसके बाद हम भाई इसको इसके अंदर ना बनाने वाले क्लासेस। यार दोस्तों मतलब यार काफी ही ज्यादा मजे आने वाला है यार। और हाँ गाइस आप में से कई लोग हमारे इस स्कूल में पढ़ाई करना चाहोगे फटाक से कमेंट करना, ओके। तो चलो गाइस मैं ना चारों तरफ लगाता हूँ उनको, डबल वॉल लगाता हूँ। पीछे के साइड में तो इधर भी मैं करा ही देता हूँ यार। और आ गया इधर काफी ज्यादा मेहनत लग रही है तो फटाक से गाइस अभी तक लाइक ले हो ये तो और भाई वक्रा हो जाता है। तो गाइस इनको सेट करते करते भाई नीचे की ये हिल जाती है। तो हाँ चलो भाई फटाक से मैं बना कर दिखाता हूँ मुझे लिखा। स्कूल की एरिया बना ली है भाई चार दीवारी वाले। तो गाइस हमने यार चारों तरफ ना वॉल को स्पॉन करके वॉल बना दिया, बहुत ज्यादा तगड़ी यार। और इसके ऊपर अभी हम कंटेनर लगा के छत बना देंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छी क्लासेस बनाएंगे, वहां पर चेयर वगैरह डालेंगे और बोर्ड वगैरह भी बोर्ड लगाएंगे यार उससे उसी पे तो पता चले। और हाँ भाई बोर्ड होने वाला है स्क्रीन वाला यार, ऐसा थोड़ी ना चौक उठा के लिख दिया ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो गाइस मैं ना अभी यार सबसे पहले तो छत बना रहा हूँ, उसके बाद क्लास वगैरह बनाऊंगा और उसके बाद और भी कुछ खतरनाक सा करने वाला यार, मतलब यार बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगने वाला है। तो चलो फटाक से गाइस आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पर एक कंटेनर को स्पॉन करा लिया है और इसी से गाइस अभी मैं पूरा का पूरा यार पूरा छत बनाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आपको दिखा तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं आपको दिखा दूं तो गाइस सर अभी
मेरी ना छत बन चुकी है यार, और जितना जल्दी आपको दिखाना है इतना जल्दी नहीं बना यार, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक मार ही देना आप लोग। तो चलो कैसे भी आप लोग देख सकते हो यार, इस तरीके की छत है हमारी, बट यहाँ पे तो थोड़ा सा खुला है यार, इसको सेट करता हूँ मैं। आज कैसे आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारे स्कूल का ओवरव्यू जो की काफी ज्यादा बेस्ट लग रहा है। और अभी तो कुछ नहीं है यार, अभी मैं यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगा रहा हूँ, ग्रीनरी बनाने वाला, और इसके बाद पार्किंग करा और भी कुछ, यहाँ पर सब कुछ बना देंगे यार, पूरा एक स्कूल बन जाएगा। और अंदर की क्लासेस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो उसी के साथ मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा, मेरे को यहाँ पर ना टॉयलेट बनानी है यार, क्योंकि यार आप जानते हो ना, तो होती है भाई, तो इनको तो भाई जरूरी, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, स्कूल ना बना बट टॉयलेट जरूरी है यार, उतनी भी जरूरी नहीं है। तो बनाकर दिखाता हूँ। कुछ अतरंगी चीज बेफालतू की नहीं है यार, ये होने वाली है, अभी आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप लोग दूर से देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ पर खिड़की है, बट यार खिड़की नहीं होने वाली है, ये बस एक टेम्परेरी वाली खिड़की है, ठीक है, कोई दिख नहीं। यहाँ पर हम दूसरी वाली भी खिड़की बना ही देते हैं। ऑलराइट, आप लोग देखोगे मैं ना इन बॉक्स का यूज कर रहा हूँ इन खिड़कियां बनाने के लिए, बस आपको लगेगा ऐसा खिड़की बंद है, बट खिड़की आई नहीं यहाँ पर भाई, कुछ नहीं है, मैं नहीं बता सकता। तो चलो मैंने इधर दोनों लगा दिए, उधर भी लगाता हूँ। फाइनली यार आपको लग रही है ना खिड़की, क्या मतलब लग नहीं रही है, अरे यार मान लो ना ऐसा खिड़की मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे अभी मैं ना अंदर की क्लासेस बनाने वाला हूँ यार, मतलब आई एम सो एक्साइटेड इसको बनाने के लिए, मैंने बना तो रहा ही हूँ यार, मैं तो भाई रिजल्ट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग हो तो भाई लाइक करना मत बोलना यार। अभी मैं यहाँ पर क्लासेस बनाने वाला हूँ, एंड यार उसके क्लास बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर चेयर और टेबल वगैरह डालने होंगे, तो वो कैसे डालेंगे, P10 से यार, ये ना मैं ऐसा यूज कर लेता हूँ भाई, इनका मतलब दिमाग का यूज करता हूँ यहाँ पर मैं, ये इनको भाई मैं चेयर बना दूंगा और टेबल बना दूंगा। चलो आपको दिखाता हूँ। तो चलो गाइस मैंने इधर स्पॉन कर दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बॉक्स को थोड़ा सा जमीन के अंदर गाइस धंसा दिया है, और इसके बाद मैं इसको बना दूंगा, ये हमारी चेयर और सामने वाले टेबल, और यहाँ पर बच्चे बैठ कर टेबल सीखेंगे, मतलब 1 2 3 नहीं वो टेबल, अरे चलो छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं ना अभी पूरे में यहाँ पर भाई चेयर वगैरह और डाल देता हूँ, फटाक से फिर आपको दिखाता हूँ। पढ़ाई करेंगे लोग, क्या बच्चे पढ़ेंगे यार, आप लोग पढ़ते हो क्या, अरे हाँ भाई आप तो बच्चे ही हो। चलो फटाफट बनाकर दिखाता हूँ। लगाने वाले हैं गाइस स्क्रीन, या दोस्तों इसी पे तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, वरना पढ़ाई कैसे होगी यार। तो चलो बड़ा से गाइस मैं यहां पर एक स्क्रीन लगा देता हूं। हां तो व्हाट्स अप गाइस मैं आज को इधर के साइड में, और यहां पर भी मैं वो स्क्रीन लगा देता हूं, एंड उसके बाद कैसे होगा खतरनाक, हमारा रूम कंप्लीट, ठीक है, अभी हमारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हम आ चुके बाहर, और बाहर पे हम थोड़ी सी ग्रीनरी लगाने वाले हैं जिससे कि अच्छा लगेगा यार। तो चलो गाइस अभी आप लोग देखो मैंने इधर एक ग्रीनरी का वो लगा दिया है, प्लेट वगैरह क्या नाम होता है उसका, तो चलो फटाक से मैंने इसको लगा दिया, इधर भी मैं लगा देता हूँ, इसमें लगाएंगे पौधे। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं ग्रास की प्लेट लगाता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इनको लगाने वाला हूँ, बिल्कुल साइड साइड में लगा दूंगा ताकि अच्छा लगेगा यार, मेरे को अच्छा लगाना है, फटाक से लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वॉल स्पॉन किया, वॉल नहीं यार, इसको हम प्लेट मानेंगे, और ये इस प्लेट पे हमारा स्कूल का नाम पड़ा होगा, क्या नाम पड़ा होगा, स्कूल। स्कूल का नाम स्कूल ही, अरे और क्या भाई, स्कूल का नाम स्कूल ही तो होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ पे मैं इसको बड़ा से सेट कर देता हूँ, और उसके बाद क्या काम बचा है मेरा, अभी का मैं यहाँ पर ट्रीज वगैरह भी लगाने वाला हूं। तो चलो गाइस मैं ना अपने स्कूल के साइड साइड में पेड़ वगैरह भी लगाता हूं ताकि और अच्छा ग्रीनरी फील आएगा, चलो लगा कर दिखाता हूं।
मैं ना इधर भी पौधे लगा देता हूँ भाई साहब। आपने तो क्यारी जो लगाई थी ना, क्यारी मेरे को नाम नहीं पता यार, आप लोग को पता है बता देना। तो चलो फटाक से इधर मैं पौधे भी लगा देता हूँ। तो मैंने ना क्यारी में लगा दी है भाई साहब अपने पौधे, और इधर को भी पेड़ लगाऊंगा मैं। अच्छा लगे रात में ना, रात में तो कोई नहीं पड़ता, बट यार वॉचमैन बैठते ना यहाँ पर, तो गाइस यार उनके लिए तो लाइटें होंगी यार, ना भूत आके उनको उठा के ले जाएगा, फिर क्या करूंगा, इसीलिए चलो लगाते जाऊं। और फ्रंट के गेट पे मैंने लगा दिए लाइटों का गेट, भाई ये तो काफी ज्यादा प्यारा लगता है, आपको कैसा लगता है बता सकते हो मुझे। तो चलो गाइस फाइनली यार कुछ नहीं बचा कंप्लीट। तो गाइस जो मैंने इंडियन बैकग्राउंड थ्रीडी के अंदर बनाया है वो एक स्कूल। जी हां दोस्तों, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, स्कूल देखा है क्या कमेंट करना, उसी के साथ आज मैं आपको दिखाई देता हूँ। आ जाओ गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारे स्कूल का गेट जो कि एंटर्ड एरिया होने वाले है, और उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं हमको ये प्यारा सा स्कूल देखने को मिलता है, जो कि अपने आरजेस टूल की मदद से बनाया हुआ है। जो आरजेस टूल के अंदर था वो मैंने यूज करके एक स्कूल क्रिएट कर दिया है। तो अगर गाइस आपको ये अच्छा लगे ना तो प्लीज सर एक लाइक जरूर से मार देना वीडियो को। तो गाइस आप लोग देखो साइड साइड में मैंने यहाँ पर पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाने चलता हूँ। तो उधर मैंने टॉयलेट बनाई है, तो गाइस यार इधर आप लोग देखो कुछ इस तरीके का, और ये रही मैंने टॉयलेट जो की उतनी अच्छी नहीं है बड़े यार, देख सकते हो यार आप लोग, सिंपल मैंने यहाँ पर दो दो बनानी है। और चलो भाई सूजी के साथ मैं भी आपको दिखाता हूँ और भी कुछ, अंदर चल के दिखाऊंगा ना स्कूल के अंदर इतना ज्यादा प्यारा लगता है ना, मतलब खतरनाक मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरे पेड़ वगैरह देख सकते हो, और इसके बाद हमने स्कूल के बाहर लगा रखी है कुछ ग्रीनरी जैसी प्लेट है, ग्रास की प्लेट है, और सामने जो आप लोग फ्लाइंग फॉरेस्ट देख पा रहे होंगे ना वो मत देखो, ये रहा हमारा खतरनाक सा स्कूल। जी हाँ दोस्तों, इस पे अगर भाई प्लेट पे लिख जाता ना स्कूल बड़ा बड़ा तो भाई बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, कहा सभी हम करने वाले एंटर अपने स्कूल के अंदर, स्कूल के बिल्डिंग के अंदर है, स्कूल के अंदर तो है ही, और उसके बाद हमको साइड साइड में पौधे दिखते हैं। और गाइस यार एंटर एंटर कितना ज्यादा खतरनाक रहा है, और यहाँ पर रिसेप्शन एरिया तो है ही नहीं यार, एक सेकेंड, अरे छोड़ो उसका मैं कभी और स्टूडियो अलग से बनाऊंगा, मतलब स्कूल के अंदर ही साइड में कहीं पे बना दूंगा। और गाइस आप लोग छत देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की, यार अंदर क्लास भाई ये चेक करो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार कितनी ज्यादा खतरनाक मैंने यहाँ पर क्लास बना कर रखी है यार, मतलब अलग लेवल भी, मुझे तो काफी ज्यादा ही पसंद आई यार। यहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, एंड सामने लगी हुई है स्क्रीन, इसी में सब कुछ होगा जो भी आपको सीखना है, ठीक है, थीटा गामा वेगा जो भी सीखना है। तो गाइस यार अभी ना काफी ज्यादा क्लास मस्त लग रहा है, गाइस आपको कैसा लग रहा है तो क्लास ओपी जरूर से लिख देना, और आप कौन सी क्लास में हो फटाक से कमेंट बताना। वैसे मैंने जो बनाई है ये 10th क्लास 12th क्लास, आप कौन सी क्लास में हो फटाक से बताओ, और आपके लिए बनानी क्या वो भी बता देना। आड़ी वाड़ी में हो ये पता चल गया। और इसी के साथ गाइस ये रहा हमारा सेकंड क्लास रूम, आप लोग देखते तो यार ये भी काफी ज्यादा ही बेस्ट लग रहा है यार, मतलब यार मैंने कुछ ज्यादा मतलब क्लास अच्छे लग रहे भाई इसके। तो गाइस आपको ये प्लीज बताना मेरा स्कूल कैसा लगा, और इसी के साथ आपको ये क्लासेस कैसे लगे, और गाइस चेयर देखो, चेयर और टेबल देखो यार बहुत ही ज्यादा मस्त लगी, एक बार खुद देखो यार, मैं ये नहीं कहता मेरी बात तो खुद देखो यार। हाँ इसी के साथ गाइस हमारा स्कूल का टूर होता है यही पे कंप्लीट। अगर अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया तो ना भाई प्लीज यार लाइक कर दो, प्लीज अभी के भी वीडियो को लाइक करो, चलो मैंने तो टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी खतरनाक तरह वीडियो देखता रहता हूँ डेली, सब्सक्राइब करो यार मुझे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।